हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेट राशिद सर। हम स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन देखने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल। एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एट। जो गिवन इक्वेशन है उसको आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। ग्राफिकल मेथड से आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो, उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन वन, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री है, उसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, थ्री माइनस टू वाई। नाउ यहाँ पे एक टेबल बना देंगे छोटा सा, एक्स और वाई, तो वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, थ्री मिलेगी, और वाई की वैल्यू आप वन पुट करोगे तो टू बन जाए, टू माइनस थ्री माइनस टू करोगे तो आपको वन मिलेगी। ना उसी तरह इक्वेशन टू के लिए टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो है, तो टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस थ्री वाई सामने की साइड प्लस थ्री वाई हो जाएगा, प्लस एट सामने की साइड माइनस एट हो जाएगा, और यहाँ पे टू मल्टीप्लीकेशन तो सामने के साइड तो क्या होगा, थ्री वाई माइनस एट डिवाइड बाई थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप इसका भी डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई, वाई की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीरो पुट करोगे तो क्या होगा, थ्री जीरो जा जीरो, जीरो माइनस एट करोगे तो माइनस एट, डिवाइड बाई टू करोगे तो माइनस फोर, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, फोर मिलेगी। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू टू, वाई की वैल्यू टू पुट करोगे तो टू थ्री जा क्या होगा, सिक्स, सिक्स माइनस टू एट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस टू, माइनस टू डिवाइड बाई टू करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन। खास यहाँ पे आपको समझना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वाई की जगह यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं, एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस टू वाई, y की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू थ्री मिलेगी, y की जगह पे वन पुट करेंगे तो टू वन जाए टू, थ्री माइनस टू करोगे तो वन मिल जाएगा x की वैल्यू। और उसी तरह यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पहले माइनस थ्री वाई सामने की साइड होगा, प्लस थ्री वाई होगा प्लस एट है, वो सामने की साइड माइनस एट होगा, थ्री वाई माइनस एट है, टू मल्टीप्लीकेशन सामने की साइड होगा तो डिविजन में। नाउ यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो फर्स्ट केस में क्या होगा, थ्री इंटू जीरो यानी कि जीरो, जीरो माइनस एट यानी कि माइनस एट डिवाइड बाई टू माइनस फोर मिलेगा एक्स की वैल्यू, और y की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, टू, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस एट करोगे तो माइनस टू मिलेगा, माइनस टू डिवाइड बाई टू यानी माइनस वन मिल रहा है। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आपको पहले लाइन बनानी पड़ेगी, दो पॉइंट है यहाँ पे हम क्या लेंगे, जीरो वन टू थ्री फोर, उसी तरह एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव तक ले लेते हैं। वाई की वैल्यू तो हमने वाई की वैल्यू कहीं पे नेगेटिव नहीं ली, पॉजिटिव ले, जीरो वन टू थ्री मैक्सिमम फोर तक जाने देते हैं। नाउ यहाँ पे फर्स्ट एक्स की वैल्यू जब हम लोगों ने जीरो ली है तब वाई की वैल्यू क्या है, एक बार कलर चेंज कर देते हैं दोनों इक्वेशन के लिए, येलो कलर से बना देते। व्हेन वी टेक एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री मिला था, यहाँ पे वो पॉइंट होगा थ्री कोमा जीरो, और दूसरा पॉइंट एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू भी वन, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू वन इस पॉइंट पे होगी वन कोमा वन। नाउ अब यहाँ पे आप पुट कर दो, तो
पॉइंट आपका ए हो गया, ए वाला ए पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना देंगे। अब जो यहाँ पे माइनस फोर दिया, एक्स की वैल्यू माइनस फोर और वाई की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे हम कलर दूसरा ले लेते, रेड कलर ले लेते, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू माइनस फोर कोमा जीरो, और एक्स की वैल्यू जब हम वाई की वैल्यू टू लेंगे तब एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है और दोनों में से पास होने वाली लाइन एक्स की वैल्यू माइनस वन, y की वैल्यू टू, इन दोनों में से पास होने वाली लाइन ए वाली लाइन होगी। तो दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, माइनस वन को मारते हुए यहाँ पे इसका, इस लाइन का इक्वेशन ऐसा लिख देंगे, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, और इसका इक्वेशन ऐसा लिख देंगे कि एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री। सो गिवन पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट माइनस वन कोमा टू, सो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू माइनस वन एंड y इज इक्वल टू टू। तो आपका मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, दोनों बॉक्स बनाने का, और बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ बना दोगे, ग्राफ तो आपके पास ग्राफ पेज होगा तो इजीली फटाफट बन जाएगा, ठीक। और इस तरह से फाइनल आप आंसर नीचे लिख देंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, बाय बाय।